दोस्तों आईपीएल साल 2021 का सीजन रोजाना अपने साथ काफ़ी धमाकेदार और काफ़ी ब्लॉकबस्टर मुकाबले लेकर आ रहा है, जहां एक ग्राउंड इतना हाई स्कोरिंग हो रहा है तो दूसरा ग्राउंड बिल्कुल लो स्कोरिंग जैसा हो रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, आज मुकाबला होने वाला है पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच, तो सभी फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस मुकाबले के लिए। तो आप नीचे जल्दी से कमेंट करके बता दो आज का मुकाबला कौन जीत रहा है, पंजाब किंग्स या फिर मुंबई इंडियंस। आज हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की और टीम केकेआर का चेन्नई के जो मैच था हारने के बाद काफी तारीफ यहां केकेआर ने बटोर ली है। बट अब इन तारीफ को एक साइड रख दे तो अब केकेआर अगले मैच की तरफ बढ़ चुका है और अगला मैच होने से पहले काफी सारी अपडेट्स दिनभर में केकेआर की तरफ से बाहर निकल के आती है। और आज दिनभर की टॉप अपडेट्स आज की वीडियो में मैं आपको हमेशा की तरह देने ही वाला हूं, तो वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा, तो क्या फायदा क्या नुकसान केकेआर को होता है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों मैं आपको एक शानदार फैंटेसी ऐप माय 11 सर्कल के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके अंदर आप बड़े बड़े चैंपियंस जैसे दादा रहाणे और वीवीएस लक्ष्मण के साथ भी खेल सकते हो। बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह भी आपको इस ऐप पर देखने को मिल जाएंगे। और इस ऐप की खास बात यह है कि आप केवल ₹1 इन्वेस्ट कर 1 करोड़ तक जीत सकते हो। अभी इंडियन T20 लीग चल रही है और इसके अंदर अगर आपकी टीम वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हरा देती है तो आपको आपकी विनिंग का 5 गुना ज्यादा कैश मिल जाएगा। साथ ही साथ ₹2 करोड़ भी आप मेगा लीडर बोर्ड के अंदर जीत सकते हो। इस ऐप के अंदर अभी फ्री के ₹1500 मिल रहे हैं और 2 गुना ज्यादा कैश आपके पहले डिपॉजिट पर आपको मिल जाएगा। ये पूरी तरह से सेफ है और आपके अकाउंट में चला जाएगा। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिली एट योर ओन रिस्क। तो दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दी गई है, अभी जाकर डाउनलोड करें माय 11 सर्कल। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का अब अगला मुकाबला कल यानी 24 अप्रैल को राजस्थान के खिलाफ है। यहां दोस्तों अगर आप किसी और वीडियो को देखते हो यानी प्लेइंग 11 को देखते हो तो आपका टाइम पूरा ही वेस्ट होने वाला है। केवल दोस्तों कल मैच के लिए हो सकता है सेम प्लेइंग 11 खिलाई जाए या केवल एक ही चेंज उसके अंदर किया जाए, वो चेंज आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप नीचे जरूर कमेंट कर दो कि क्या केकेआर है तैयार आईपीएल 2021 के लिए, क्या वो प्लेऑफ तक जा पाएगी। बात करते हैं दिन भर की टॉप अपडेट्स की। पहली अपडेट निकल के आ रही है ओपनर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमने हमारी रिसेंट वीडियो के अंदर बात की थी केकेआर यहां अपनी ओपनिंग पेयर को चेंज करने वाला है और अब ये न्यूज़ हो चुकी है पूरी तरह से कन्फर्म्ड। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यहां ओपनिंग तो चेंज होगी ही, बट इतना ज़्यादा चेंज यहां ओपनिंग के अंदर नहीं होने वाला है कि ओपनिंग पेयर आप जानते ही हो। हालांकि दोस्तों ओपनिंग क्या होने वाली है कन्फर्म नहीं है, बट नीतीश राणा तो अब नंबर 3 के ऊपर ही आने वाले हैं। या तो शुभमन गिल के साथ सुनील नारायण ओपन करेंगे या फिर राहुल त्रिपाठी ओपन करेंगे। जिस तरह की पिच मुंबई की है उसको देखते हुए एक विस्फोटक ओपनिंग यहाँ केकेआर को चाहिए। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि शुभमन गिल के साथ कौन ओपन करना चाहिए, सुनील नारायण, राहुल त्रिपाठी या फिर नीतीश राणा। दूसरी अपडेट आ रही है आयोन मॉर्गन को लेकर, जहाँ दोस्तों रिसेंटली आयोन मॉर्गन ने बता दिया है कि हम अभी बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, बट हम CSK के खिलाफ काफ़ी क्लोज गए, उससे हम सेटिस्फाइड हैं। और यहाँ काफ़ी फैंस की डिमांड थी कि पैट कमिंस गेंदबाजी में काफ़ी महंगे जाते हैं तो उनको टीम से बाहर निकाला जाए और उनकी जगह पर बैन कटिंग को एक बार मौका दिया जाए। तो आयोन मॉर्गन ने बताया है कि ये सभी फैंस को जवाब है पैट कमिंस का कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं केकेआर के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने लास्ट तक मैच को केकेआर की झोली में बनाए रखा, कुछ गड़बड़ भी चल रही है, बट यहाँ पूरे सीजन के लिए पैट कमिंस हो चुके हैं केकेआर की टीम में शामिल। तो दोस्तों ये बड़ा बयान आयोन मॉर्गन ने दे दिया है, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि क्या आपकी नज़र के अंदर भी पैट कमिंस एक अच्छे खिलाड़ी हैं केकेआर की टीम के लिए। तीसरी अपडेट आ रही है नए प्लेयर को लेकर। अब दोस्तों मुंबई का जो पिच है इसके अंदर हरभजन सिंह को बाहर निकाल दिया गया है, जैसा हमने बताया था तो हमारी 100% प्रिडिक्शन सही थी। अब दोस्तों आपको ये चीज़ बता दें कि अब इस टीम के अंदर एक चेंज हो सकता है कल के मुकाबले के लिए या फिर एज इट इज टीम जाएगी। अगर एक मुकाबले के अंदर वो चेंज होता है तो वो होने वाले हैं दोस्तों कमलेश नागरकोटी की जगह डेब्यूटेंट वैभव अरोड़ा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ केकेआर को पेस की ज़रूरत है, बट आपको ये चीज़ बता दें कि वैभव अरोड़ा लंबे लंबे हिट्स भी लगा सकते हैं और कमलेश नागरकोटी की जितनी स्पीड से ही वो गेंद डालते हैं, तो एक अच्छा चेंज हो सकता है कल के मैच के लिए। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहिए या फिर सेम खिलानी चाहिए। तो ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।